हेलो फ्रेंड्स, आइए बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। दोस्तों, इस स्टॉक में आज अच्छी रैली चल रही है क्योंकि मार्केट में भी अच्छी रिकवरी है और ये जो लार्ज कैप्स बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, ये भी जो है वो मार्केट को ही जनरली फॉलो करता है। तो आज इस स्टॉक में 1.21% की रैली है। ये स्टॉक 1580 की प्राइस पे जो है आपको ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। तो आइए देख लेते हैं इसमें टारगेट क्या रह सकते हैं और आने वाले दिनों में किस तरह के इसके लेवल्स रह सकते हैं, कौन से रेजिस्टेंस लेवल हैं और कौन से सपोर्ट लेवल हैं, सारे डिटेल एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले नए आए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक भी कर दें और इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें। दोस्तों आइए, सब बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, एंड तक जरूर हमारी वीडियो को ध्यान से सुने। सबसे पहले इसके स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस देखो तो 5 डे में अब इस स्टॉक में अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। दोस्तों 1540 के राउंड इस स्टॉक ने अपना सपोर्ट जोन बना के बहुत ही ब्यूलिश रिवर्सल जो है वो शो कर दिया है। यहाँ पे देखो इसके चार्ट में अब रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी 1580 का लेवल एक बहुत ही अच्छा इसका जो है रेजिस्टेंस लेवल बनता दिखाई दे रहा है। यदि आने वाले दिनों में ये स्टॉक 1580 के लेवल को जो है ऊपर क्लोजिंग देता है, क्योंकि आज इसकी जो अब ब्यूलिश रिवर्सल चल रही है वहां पे 1581 के जो नंबर्स हैं देखने को मिले हैं, तो आज यदि ये स्टॉक 1580 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो अपने जो है रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है, तो आने वाले दिनों में और भी पॉजिटिव इस स्टॉक में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लोअर लेवल पे 1540 का एक बहुत ही बढ़िया इसका सपोर्ट जोन बनता भी दिखाई दे रहा है। जबकि 1 मंथ में देखो इस स्टॉक में 4.02% की गिरावट है। इस स्टॉक में रेंज बाउंड काम होता दिख रहा है, कभी गिरावट होती है कभी इस स्टॉक में रैली होती है। तो पहला सपोर्ट जोन और पहला रेजिस्टेंस लेवल हम आपको बता चुके हैं, वो 1540 और 1580। अब आने वाले दिनों में इन दोनों लेवल्स पे आपको जो है वो फोकस करना है, क्योंकि रैली हो रही है, इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट शो कर दिया है, तो 1580 के यदि स्टॉक को लेवल को क्रॉस कर लेता है तो फिर इस स्टॉक में आपको रैली कंटिन्यू रहती दिख सकती है, क्योंकि 6 मंथ में 6.39% की रैली है, जबकि 1 ईयर में भी 6% के राउंड ही रैली इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो स्लोली स्टेडली इसके चार्ट में रिकवरी जरूर देखने को मिली है। 5 ईयर्स में 71% के रिटर्न्स हैं, तो लॉन्ग टर्म में तो क्लियरली ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक है ही। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत ही शानदार रिटर्न्स देता है, मल्टीबैगर रिटर्न्स देता है, ये आपको जरूर नोट करके रख लेना चाहिए। तो फाइनेंशियली बात करें तो इसके नंबर जो है बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ओवरऑल ग्रोथ है। इस कंपनी के, इस बैंक के भी एडवांसेस भी ग्रो हो रहे हैं और इस बैंक के जो नंबर्स हैं वो आपको ग्रो ही होते दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो बहुत ही यूनिफॉर्मली, बहुत ही कंसिस्टेंटली इस कंपनी के नंबर्स ग्रो हो रहे हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 का डाटा देख लो, जहां आप एनुअल बेसिस पे डाटा देख लो, इसका जो रेवेन्यू है वो भी ग्रो हो रहा है, जबकि येलो कलर में इस कंपनी का जो इनकम है, प्रॉफिट है, वो भी ग्रो होता दिख रहा है। तो फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। तो आइए इसकी बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में भी अच्छी रिकवरी है। बैलेंस शीट में देखो इसके एसेट्स भी आपको बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं ओवर द लॉन्ग टर्म, साथ के साथ लाइबिलिटीज भी जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो आने वाले दिनों में इस स्टॉक में अब पॉजिटिव ग्रोथ जो है एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि मार्केट में भी रिकवरी है और इस स्टॉक में भी आपको अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में इसका जो टारगेट है वो हम आपको रेजिस्टेंस लेवल बता देते हैं, इसका क्या रह सकता है। 6 मंथ का डाटा देखो तो इस स्टॉक में अब आपको 1650 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो क्योंकि अच्छी रिकवरी इस स्टॉक में जरूर हो रही है, ब्यूलिश रिवर्सल देखने को मिल चुका है, शॉर्ट टर्म में भी इस स्टॉक ने अपना लोअर सपोर्ट लेवल बना के अच्छी रिकवरी शो कर दी है, तो मार्केट में यदि ट्रेंड सही रहा, मार्केट में भी जल्दी रिकवरी होती रही, तो ये स्टॉक भी रिकवर करता जाएगा और 1650 तक के टारगेट दे सकता है विद इन नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर। तो मार्केट कंडीशन जरूर पॉजिटिव रहने चाहिए दोस्तों, इसलिए आप इस स्टॉक में 1650 के शॉर्ट टर्म के जो है टारगेट लेके चल सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको जो है स्टॉप लॉस 1550 का भी लगाना है। स्टॉप लॉस के बिना कोई भी इस स्टॉक में जो है पोजीशन नहीं बनानी है, कभी भी किसी स्टॉक में शॉर्ट टर्म में पोजीशन नहीं बनानी है। दोस्तों यदि आप थोड़ा सा इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म टारगेट दे सकते हो, थोड़ा सा वोलेटिलिटी को बर्दाश्त कर सकते हो, तो ये स्टॉक आपको 2000 के लेवल तक भी जाता दिखाई दे सकता है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल जो कि बहुत ही बड़े फाइनेंशियल हैं वो भी इस स्टॉक पे बहुत ही पॉजिटिव हैं। उनका कहना है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये जो बैंक है शानदार परफॉर्मेंस शो करेगा, क्योंकि जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी इसमें मर्ज होने जा रही हैं,
तो इसलिए आने वाले दिनों में ये बैंक अच्छा परफॉर्म करता दिखाई दे सकता है। यहाँ पे देखो द ब्रोकरेज बिलीव्स दैट द मर्जर विद द HDFC इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ दिस बैंक। तो आने वाले दिनों में इसका जो फाइनेंशियल मर्जर होगा उसके साथ भी इसको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो अच्छा मौका है इस स्टॉक में निवेश का। आप शॉर्ट टर्म के लिए भी पोजीशन बना सकते हो और शॉर्ट टर्म के लिए भी इस स्टॉक में जो है वो पोजीशन बना सकते हो। द बैंक एम्स टू कंप्लीट द मर्जर बाय Q1 Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 एंड द मोतीलाल ओसवाल इज वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन दिस मर्जर। तो इसलिए इस स्टॉक को आप जो है वो अकमुलेट करें। मर्जर होने के बाद इसके नंबर्स में बहुत ही बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। थैंक्स अगेन, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक भी करें, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।